तो क्या आपका भी कॉलिंग के दौरान अगर आपका स्क्रीन लाइट बंद हो जाता है? दोस्तों, अगर आपका स्क्रीन लाइट कॉलिंग के समय अगर बंद हो जाता है तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग दोस्तों ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कॉलिंग के दौरान स्क्रीन लाइट बंद हो जाता है तो भाई ये समस्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और दोस्तों कुछ ही मतलब मिनट में आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ये समस्या आ रही है, आपके पास कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, ओप्पो वीवो किसी भी का ब्रांड का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर करना क्या है, कैसे आपको इस समस्या को सॉल्व करना है? इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना होगा। तो मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ। अपने मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिशनल सेटिंग। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। तो दोस्तों ये सेटिंग जो है ना दोस्तों, यहाँ से आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा ना कि जैसे अगर आपका स्क्रीन लाइट बंद होता है तो एक बार पावर बटन जैसे प्रेस करोगे ना, आपका जो है डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ये वाला। और दोस्तों दूसरा सेटिंग क्या है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बैक करना है। तो मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको जाना होगा अबाउट डिवाइस में। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना होगा दोस्तों अबाउट फ़ोन पे क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको वर्जन पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्जन पे दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर का। आपको बिल्ड नंबर पे 3 से 4 बार क्लिक करना है। 3 से 4 बार क्लिक करोगे तो एक सेटिंग ओपन हो जाएगी, जो सेटिंग आपको बैक करना है। और बैक करने के बाद दोस्तों आप जैसे कि एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो वो सेटिंग यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग मिल जाएगा जिस सेटिंग का नाम है डेवलपर ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों और आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा क्यूक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेंसर ऑफ का। तो भाई यहाँ से सेंसर ऑफ वाला जो सेटिंग है इसे ऑन कर देना। जिसे ऑन करोगे दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। इतना ही सेटिंग करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, और ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो में।